हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग गति तथा प्रचलन यानी मूवमेंट एंड लोकोमोशन के एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर का हमने आपको 3 लेक्चर में पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, उतना थ्योरी आपके लिए सफिशियंट है, उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप यदि ध्यान से वो तीनों लेक्चर पढ़े होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को वन बाय वन खुद ब खुद ही कर लेंगे, ठीक है। और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आराम से समझते चलेंगे। ये वीडियो लेक्चर का आपको बेनिफिट कैसे मिलता है, यदि आप पेड क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे बेनिफिट मिलता है, तो आपका जो थ्योरी पढ़े उससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपको थ्योरी पढ़ना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए किस थ्योरी से ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य करोटी, करोटी को इंग्लिश में स्कल कहते हैं, स्कल में अस्थियों की कुल संख्या, स्कल में अस्थियों मतलब क्या हुआ, बोन, स्कल में बोन की कुल संख्या कितनी है। तो हमारा मनुष्य है, मनुष्य में स्कल में बोन की संख्या कितनी है। तो हमने आपको एक्सियल स्केलेटन पढ़ाया था, पूरे स्केलेटन, बताइए मानव में पूरे टोटल बोन्स कितने हैं, 206। उस 206 को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में, एक हो गया एक्सियल स्केलेटन और दूसरा क्या हो गया, अपेंडिकुलर। एक्सियल में कौन से आएंगे, जो ब्लू वाला जितना दिख रहा है बीचों बीच एकदम जो आएगा वो हुआ एक्सियल एक्सिस के अराउंड, और जो अपेंडिकुलर हो गया साइड में, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हो गया क्या, अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन कितने बोन्स का होता था, 80 बोन्स का होता था, कितने बोन्स का, 80 बोन्स का। और उसी एक्सियल स्केलेटन को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते थे, वो एक पार्ट जो सबसे पहला एक्सियल में आता है वो हमारा पूरा स्कल आता है। तो स्कल में कितने बोन्स पढ़े थे, 29 बोन्स इंक्लूडिंग ईयर ऑसिकल्स यानी कान की हड्डियों को जोड़ते हुए, क्योंकि कान की हड्डी भी इसी में आ जाते हैं। फिर वर्टिब्रल कॉलम में कितने हड्डी आते हैं, 26, और फिर ये जो पसली है रिब्स प्लस एक स्टर्नम जो है बीच में वो एक, 24 एक 25, तो टोटल हो गया 80 हड्डी, जोड़ के देख लीजिए हो जाएगा। तो अब ये जो स्कल है, स्कल में कितने हड्डी हो गए, 29, कहीं कहीं स्कल में 22 भी ऑप्शन में देता है, देखिए स्कल में कहीं कहीं 22 ऑप्शन में दे देगा, कहीं 29 दे देगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन में कोई एक ही देगा, या तो 22 देगा या तो 29 देगा। 22 दे रहा है यानी वो किसको नहीं इंक्लूड करना चाह रहा है, हायोइड बोन और ईयर ऑसिकल को नहीं करना चाह रहा है, हायोइड बोन एक होता है ना यू आकार का बोन, उसको नहीं इंक्लूड करना चाह रहा है, और 29 बोलना चाह रहा है मतलब सबको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देख लीजिए, 26, 29, 30, 107, तो आप आराम से ऑप्शन मार दीजिए बी, कितना स्कल में कितना बोन होता है, 29। अब हम लोग थोड़ा सा स्कल कितने पार्ट्स में पढ़े थे, स्कल में सबसे पहले हमारा फेसियल बोन हो गया जिसमें कि 14 गो होता है, सब याद रखना है फेसियल में क्या गो, 14 गो। कई बार आईना देखते हैं हम लोग, आईना कई बार देखते हैं, 14 बार। क्रेनियम, आइठ देंगे तो कड़कड़ा जाएगा, कहते हैं ना आइठ देंगे तो क्या होगा, कड़कड़ा जाएगा, आइठ आइठ देख रहे हैं, आइठ मतलब एट, कितना कड़कड़ा गया क्रेनियम। ईयर ऑसिकल्स में क्या गो, 6 गो, और हायोइड बोन क्या गो, 1 गो। यही नहीं, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, हमने पूरा 8 बोन याद करवाया है और 14 बोन याद करवाया है, वो 8 बोन क्रेनियम में कौन कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा अस्थि है जो कि क्रेनियम में होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको छांटना पड़ेगा, कुछ हाथ का हड्डी दे देगा, कुछ पैर का हड्डी दे देगा, कुछ रिब, कुछ आपको फेस का हड्डी दे देगा, तो वैसे दे देगा। तो आपको याद रहना चाहिए क्रेनियम में कौन सा हड्डी है, तो क्रेनियम याद है, क्रेनियम का ट्रिक क्या था, एफ पॉट से, क्या है लिख के रख लीजिए कहीं, एफ पॉट से, एफ मैंने फ्रंटल, पी मैंने पैराइटल, ओ मैंने ऑक्सीपिटल, टी मैंने टेम्पोरल, एस मैंने स्फिनोइड, ई मैंने इथमोइड, ठीक है। और पी और टी क्या गो होता था, दो दो गो होता था, पी और टी, पी नंबर, पी जो है वो क्या नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो 2 गो, ये भी 2 गो, और सब क्या गो, को गो, एकक के गो, और सब क्या गो, एकक के गो, तो जोड़िए 8 गो बन पुर जाएगा। हमारा जो हेड सामने वाला है वो क्या है, फ्रंटल है, सामने वाला क्या है, फ्रंटल, जो येलो वाला दिख रहा है आपको, फिर ये ऊपर वाला जो ऐसे है साइड में वो पैराइटल है, 2 गो, ऐसे भी देखिए, एक इधर एक इधर, नीचे में जो कान के पास है वो टेम्पोरल, एक इधर, तो टेम्पोरल 2 गो हो गया, ऑक्सीपिटल पीछे 1 हो गया, इथमोइड आँख के पास होता है, स्फिनोइड भी 1 हो गया, तो टोटल 8 गो याद हो गया क्रेनियम बोन। अब हम लोग बात करते हैं फेस में कितने बोन्स होते हैं, 14 गो, 14 बोन का नाम याद करवाए थे, बताइए। तो वीआईपी आदमी का फेस देखते हैं ना हम लोग, किसका फेस देखते हैं, वीआईपी, तो जेड एन एल एम स्क्वायर वीआईपी, इसका ट्रिक क्या था, जेड एन एल एम स्क्वायर वीआईपी, जेड मैंने क्या हुआ, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन कौन सा बोन को कहते हैं, चिक बोन को कहते हैं, जो कि गाल के पास हड्डी है ना ये वाला, जाइगोमेटिक बोन हो गया। प्लस एन नेजल बोन, नेजल बोन आपको दिख रहा होगा, देखिए नेजल बोन,
दोगो, एल लेक्राइमल बोन लेक्राइमल, एम दोगो है एम स्क्वायर यानी दोगो, एगो मैक्सिला ऊपर वाला मेंडिबल नीचे वाला, मैक्सिला ऊपर वाला मेंडिबल नीचे वाला, भी वोमर, वोमर नाक का सीधा वाला हड्डी, नो वोमर बोन हो गया ये वाला, देखिए वोमर कौन सा है यहाँ दिखाया हुआ होगा, ये देखिए वोमर ब्लू वाला। आई है इन्फीरियर नेजल कॉनकेई, और फिर उसके बाद पी मैंने पैलेटाइन, पी मैंने क्या हुआ पैलेटाइन, यहाँ पे जो होता है जहाँ चश्मा मेरा रखाया हुआ है वो हुआ पैलेटाइन, समझ रहे पैलेटाइन बोन। और कौन कौन सा पेयर में होता है, कौन कौन सा क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे फेसियल में सब पेयर में होता है, खाली दूगो होता है जो कि अनपेयर होता है, जैसे कि वोमर बोन आपको दिख रहा होगा नाक के सीधा सीधी है तो वोमर एगो होगा जो सीधे सीधी में एक एगो ना होगा, और नीचे वाला जो मैंडिबल है वो एगो, तो मैं वोमर और मैंडिबल वो एकगो और सारा क्या डबल वो, देखिए मैंडिबल एगो है और वोमर एगो है ऊपर नीचे है ना, और सब क्या है डबल डबल है ना, और सब डबल डबल है, देखिए जोड़िएगा 14 को पूर जाएगा ठीक है। और कान की हड्डी, कान की हड्डी तीन को होता है, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर का जो तीन को हड्डी है, एक कान में तीन हड्डी होता है, मेलस इनकस एंड स्टेपस नाम है, और स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है स्टेपस है ठीक है। तो तीन एक कान में दूसरे कान में तीन, तो 6 को हड्डी हो गया ना, ये हम कान का हड्डी याद करवा दिए, फेस का हड्डी याद करवा दिए, क्रेनियम का हड्डी याद करवा दिए, बस यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन ये आएगा कि स्कल में कितने बोन होते हैं 29, क्रेनियम में कितने बोन होते हैं 8, फिर फेस में कितने बोन होते हैं 14, कान में कितने बोन होते हैं एक कान में 3, दो कान में 6, क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। अब पूछेगा कि कौन सा हड्डी जो कि कान का हड्डी है, कुछ क्रेनियम का डाल देगा, कुछ ऑप्शन दे देगा, आपका फेस का कुछ दे देगा, कान का, तो आपको याद रहेगा तभी तो छांटेंगे, तो याद करने का भी तरीका हम बता दिए ठीक है। ये हो गया, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल वर्टिब्रे यानी ग्रीवा कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है, सर्वाइकल वर्टिब्रे कितना होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम हमने बता दिया है, वर्टिब्रल कॉलम जो कि मेड अप ऑफ वेरियस बोन्स, छोटे छोटे बोन्स है, जो रीढ़ की हड्डी है वो टोटल 33 हड्डी से मिलकर बना हुआ है, लेकिन होता कितना है 26। यदि फ्यूज्ड पूछे, फ्यूज्ड वे पे पूछे कितना, फ्यूज्ड मतलब जो कि एक बार सट जाता है, सटने के बाद जो हुआ तो वो क्या 26, और अनफ्यूज्ड पूछे 33, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ठीक है। लेकिन हाँ अगर वर्टिब्रे पूछ दे तो कितना आंसर होना चाहिए, 33 आंसर होना चाहिए ठीक है। कभी ऑप्शन 26 भी लेता है, कभी ऑप्शन 33 भी लगता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में यदि क्लियरली मेंशन कर दे कि अगर ऑप्शन में 33 है ही नहीं सिर्फ 26 है तो आप 26 टिक करेंगे। यदि आप क्वेश्चन क्लियरली कर दे कि फ्यूज को इंक्लूड करना है तो फ्यूज वाले को, तब 26 होगा ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप देख लेंगे कि आपको आगे क्वेश्चन दिख जाएगा, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि वर्टिब्रे को कैसे पढ़ना है, तो वर्टिब्रल कॉलम टोटल होता कितना है 33 गो, अनफ्यूज्ड में बात करें 33 गो, अगर फ्यूज होकर के बात करें तो 26 गो, फ्यूज मैंने जब सट जाता है तो ठीक है। और वो सीक्वेंस याद रखना है, पहला सर्वाइकल वर्टिकुला जो सबसे ऊपर में गर्दन वाला रीजन जिसको ग्रीवा कशेरुकी हिंदी में कहते हैं, ग्रीवा मैंने गर्दन, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा किस रीजन में पाया जाता है, नेक रीजन में पाया जाता है, थोरासिक वर्टिब्रा उसके नीचे है जो वक्ष गुहा है ये वाला थोरासिक कैविटी, यहाँ पे जो पीछे है थोरासिक कैविटी रिब्स इसी से जुड़ा होता है, फिर लंबर वर्टिब्रा जो कि आपके एब्डोमिनल रीजन में आता है पेट के पास, और उसके नीचे सैक्रम है, उसके नीचे कॉकेक्स है, ये 5 बोन से फ्यूज होकर मिलकर बना है, ये 4 बोन से मिलकर फ्यूज होकर के बना है ठीक है। तो ये सभी चीजें सबसे पहले तो सीक्वेंस पूछेगा, वर्टिब्रल कॉलम का सीक्वेंस क्या है, फिर नंबर पूछेगा, तो क्या कौन वर्टिब्रा कितना है, हमने वो चीज बताया था ना C7T12L5, C7T12L5, सैक्रम S5 और फिर कॉकिक्स C4 ठीक है। तो ये चीज, तो ये दोनों तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 5 को फ्यूज होकर के सैक्रम बना है, 4 को फ्यूज होकर के कॉकिक्स बना है, C7T12L5 ऐसे C7T12L5। तो C मैंने सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है गो 7 गो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए C7 तक है, T12 12 गो, थोरेसिक वर्टिब्रा लंबर 5 गो, समझ रहे ना, तो वही चीजें हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चन सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना, तो 7 गो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अनुतांत्रिक अस्थि यानी कोकिजियल बोन पाई जाती है, कोकिजियल बोन कहाँ पाई जाती है, अब भूल गए भैया कोकिक्स, कोकिस बोले या फिर कोकिजियल बोले वो क्या है, एक ही चीज है, कोकिजियल बोले तो कोकिक्स अब कहाँ पाया जाता है, कोकिजियल बोन बताइए, तो आप लोग पूरा स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिए, बताइए कहाँ पाया जाता है, पेल्विक गर्डल में, पेल्विक गर्डल में क्या पाया जाता था याद है, 2 कोकिजियल बोन, वो कॉक्सल बोन होता था, वो क्या होता था कॉक्सल बोन, वो अलग चीज था, कंफ्यूज मत होइएगा, कॉक्सल बोन जो कि देखिए पेल्विक गर्डल हमारा कैसे बनता है, कमर के पास इस तरीके से बनता था है ना, इस तरीके से बनता था,
तो ये हमारा क्या हुआ, दो को कोक्सल बोन होता था, लेकिन यहाँ पे कोकिजियल बोन बोल रहा है, तो कोकिजियल बोन पेल्विक गर्डल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्कल में, स्कल में कहीं भी कोकिजियल बोन था, नहीं था, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको नाम होगा, स्कल में कहीं भी नहीं था, इतना सारा बोन है, 2900 बोन का नाम हमको याद है, नहीं है। अंश मेखला यानी पेक्टोरल गर्डल कंधा वाला में था, नहीं भैया, कंधा वाला में क्या क्या था, स्कैपुला था और क्लेविकल था, ये जो था हड्डी, ये वाला हड्डी क्लेविकल हो गया और ये पीछे वाला स्कैपुला हो गया, पेक्टोरल गर्डल, सब थ्योरेटिकल में पढ़ाए हुए हैं पेड क्लासेस में, ठीक है। और फिर क्या, कशेरुकी भाग में, वर्टिब्रल पार्ट में, यस, वर्टिब्रा का एक कोनमा में देखो नीचे में क्या है, कोकिक्स है, यही तो क्वेश्चन आया कि कोकिजियल बोन कहाँ है, तो वर्टिब्रल कॉलम में, यानी वर्टिब्रल पार्ट में पाया जाता है, कशेरुकी भाग में, समझे, देखो कितना गहराई से क्वेश्चन आता है। तो मनुष्य में अनुतांत्रिक अस्थि यानी कोकिजियल बोन पाई जाती है कहाँ, कशेरुकी भाग यानी वर्टिब्रल पार्ट में, क्लियर। फिर है क्या, मनुष्य में पाई जाने वाली कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है, मनुष्य में पाए जाने वाली कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है, यानी वर्टिब्रे की कुल संख्या होती है, तो वर्टिब्रा कितना होगा, हमने बताया यहाँ पे ऑप्शन 26 भी है और 33 भी है, तो आप आंसर 33 कर दीजिए, अरिहंत बुक भी 33 लिया हुआ है, लेकिन हाँ यदि ऑप्शन में 26 या 33 में से कोई एक रहे तो वो टिक करेंगे, यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि फ्यूज्ड में इंक्लूड बताना है, देन आपका आंसर 26 होगा, ठीक है। ये अनफ्यूज होने के बाद, मतलब कि जब जुड़ा हुआ नहीं है तब वो 33 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पश्चपाद यानी हिंड लिम्स में अस्थियों की कुल संख्या होती है, याद है, फोर लिम्स यानी हाथ, हिंड लिम्स यानी पैर, तो पैर में कुल अस्थि की संख्या तो कितनी होती है, तो आप एक पैर में कुल अस्थि की संख्या कितना होता है, हमने बताया था ना कि चाहे हाथ हो चाहे पीर हो, पैर हो, फोर लिम्ब हो या हिंड लिम्ब हो, कितना बोन होगा, 30 बोन होगा, कितना बोन होगा, 30 बोन होगा, 30 बोन एक पैर में, दो पैर में 60 बोन, तब पैर का हड्डी का नाम याद है, सबसे ऊपर वाला हड्डी को क्या कहते थे, फीमर, उसके बाद एक पटेला, याद है, नी कैप जिसको कहते हैं, फिर टीबिया, फिबुला, फिर टार्सल, टार्सल क्या गो होता है बताइए, टार्सल 8 गो होता है, टार्सल 7 गो होता है, सॉरी 7, और मेटा टार्सल क्या गो होता है, 5 गो, फेलिंजेस क्या गो होता है, 14 गो, आप जोड़ लीजिए 30 पूरा जाएगा, फीमर एक, पटेला एक, टीबिया एक, फिबुला एक, एक पैर का हम बता रहे, ठीक है, ये सब हो गया पैर का हड्डी, ठीक है, वही पैर का हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं कि हिंड लिम्स में उपस्थित अस्थियों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है, 30, कितनी होती है, 30, तो आंसर हो गया 30। ऐच्छिक पेशी कौन सी है, यानी क्या, वॉलंटरी मसल्स की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी कौन सा होता है, तो हमने तीन तरह का मसल पढ़ाया था, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल होता है, मसल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के, स्केलेटल मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं, अब इसमें कौन सा वॉलंटरी होता है, कौन सा इनवॉलंटरी होता है, तो याद रखिएगा वॉलंटरी सिर्फ एक ही को होता है, वो है कौन, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल सिर्फ यही वॉलंटरी होता है, और ये दोनों क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाएं में, अनैच्छिक होता है, यानी इनवॉलंटरी होता है, क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है, ठीक, ये ऐच्छिक के साथ होता है, क्यों, क्योंकि हमारे हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो भी मसल्स आप नॉर्मली देख रहे हैं वो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, वो आप अपने मन के अनुसार हाथ पैर फैला सकते हैं, ये कर सकते हैं, उठ कर सकते, उठ सकते, बैठ सकते हैं, ये हुआ वॉलंटरी मसल, जो कि आपके क्रिया आपके मन के अनुसार चले, ठीक है, क्या आप अपने आंत के मसल्स को, मैं बोलूंगा इंटेस्टाइन के मसल को फैलाइए सिखड़िए तो कभी पॉसिबल है, नहीं, तो वो हो गया क्या, इनवॉलंटरी सिस्टम, वो अपने अनुसार चलता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। और फिर कार्डियक मसल, जैसे कि हृदय में पाए जाने वाली पेशियां को कार्डियक मसल कहते हैं, तो क्या वो आपके मन के अकॉर्डिंग चल सकता है, बोलिए, उसको धड़कना बंद कर दे, धड़कना बंद कर देगा, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, तो कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होता है। फिर पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्राइप्ड है, कौन सा स्ट्राइप्ड नहीं है, माने जिसमें रेखा है नहीं है, तो ये स्ट्राइप्ड होता है, याद रखिएगा, ये स्ट्राइप्ड होता है, पूछा जाता है स्ट्राइप्ड होने के बावजूद भी इनवॉलंटरी है, वो कौन सा है, तो कार्डियक मसल है। फिर ये इसमें स्ट्राइप्ड नहीं होता है, ये स्ट्राइप्ड नहीं होता है, और ये भी स्ट्राइप्ड होता है, ये भी क्या होता है, स्ट्राइप्ड होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब वही क्वेश्चन है, ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल्स है कौन सा, स्मूथ मसल तो इनवॉलंटरी होता है, स्ट्रिएटेड मसल, भैया स्ट्रिएटेड मसल कहने का मतलब हुआ, इसी का एक और नाम है स्ट्राइप्ड मसल, तो आप ये सोचिए स्ट्राइप्ड मसल तो दोनों है, स्ट्राइप्ड मसल तो दोनों है, ये भी है, ये भी है, क्या दोनों, एक स्ट्राइप तो वॉलंटरी है और दूसरा स्ट्राइप क्या इनवॉलंटरी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर स्ट्रिएशन प्रेजेंट है यानी रेखा प्रेजेंट है तो वो वॉलंटरी हो ही जाए,
एक्चिक हो ही जाए तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कार्डियक मसल तो भैया इनवॉलंटरी होता है, हम लोग देख लिए, तो ये हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कलाई की अस्थि यानी रिस्ट बोन है। अरे भैया रिस्ट बोन याद है, रिस्ट बोन यहाँ पे कौन सा बोन था बताइए। जब आप हाथ की हड्डी को पढ़ेंगे, पूरे हाथ में कितना हड्डी होता है, अपर लिम्स में, फोर लिम्स में, 30, वो 30 का नाम बोलिए। सबसे पहले ऊपर में ये ह्यूमरस, उसके बाद ये रेडियस, अल्ना, उसके बाद यही जो कलाई के पास देखिए आपको हड्डी दिख रहा है उसको कार्पल्स कहते हैं। क्या होता है, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल कितना 8 और मेटा कार्पल कितना 5 और फेलेंजेस 14, याद हो गया। तो कार्पल्स को ही तो क्या कहते हैं, रिस्ट बोन, कलाई की हड्डी, और इसको एंकलेट बोन कहते हैं। एंकलेट पता है ना, एंकलेट किसको कहते हैं, याद रखिएगा, एंकलेट जहाँ पे पायल आप पहनते हैं ना उसी को एंकलेट कहते हैं, एंकल कहते हैं, एंकल उस जगह को कहते हैं। एड़ी, तो एड़ी का हड्डी कौन सा हो गया, एड़ी का हड्डी कौन सा हो गया, टार्सल। और कलाई का हड्डी कौन सा हो गया, कलाई का हड्डी, कलाई का हड्डी यानी रिस्ट बोन, कार्पल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्पल्स, क्या हो जाएगा आंसर, कार्पल्स। कितना कार्पल होता है, एक हाथ में 8 गो होता है, ठीक है, समझे। टिबिया फिबुला कहाँ का हड्डी है बताइए, तो टिबिया फिबुला पैर का हड्डी है, टिबिया फिबुला पैर का हड्डी है। फिर इसके बाद टेरिगॉइड जीनस बेकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मायोग्लोबिन पाया जाता है। आप हीमोग्लोबिन वर्ड सुने होंगे, हीमोग्लोबिन वर्ड सुने होंगे, मायोग्लोबिन पहला वर्ड सुने होंगे, तो वही हीमोग्लोबिन यदि मसल फाइबर में प्रेजेंट है, मांसपेशीय तंतु में, तो उसी का नाम मायोग्लोबिन हो जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उसी तरीके से जो मसल्स में, मस्कुलर टिश्यू में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। तो वो कहाँ पाया जाएगा, मसल्स में, किसमें, मसल्स में यानी पेशी में, ठीक है। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव के शरीर में पाई जाने वाली पेशियों की संख्या कितनी होती है, टोटल मसल्स आपके बॉडी में कितना है, तो 639 है। कितने पेशियां हैं आपकी बॉडी में, कुल 639 मांसपेशियां हैं, जिसमें से कि बोन कितना है आपको, जिसमें से नहीं, अलग है बोन, बोन याद रखिएगा, मसल्स, मसल्स टोटल कितना है 639, बोन 206, कभी नहीं भूलिएगा, बोन 206 और मसल्स 639, तो आपका आंसर हो गया 639, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेलियस यानी मेलियस एक भाग है, मेलियस किसका भाग है ये बताइए, तो याद है कान की हड्डी, मिडिल ईयर का इन पार्ट था, मेलियस इनका स्टेपस, देखिए कान का हड्डी बता दिया, अब बताइए वर्टिब्रे का हड्डी है, तो वर्टिब्रे में कहीं नहीं था, कॉकरोच के प्रजनन अंग, कॉकरोच कहाँ से आ गया भैया, तो मिडिल ईयर के श्रवण अंग का अस्थिका, यस, यहाँ मध्य कर्ण की हड्डी है, ये मिडिल ईयर का हड्डी है मेलियस, ठीक है। चलिए दाहिने हाथ की हड्डी में कुल अस्थियां होती है, भैया दाहिने हाथ बोले चाहे बामा हाथ बोले बात बराबर है, हाथ की हड्डी भी चाहे पैर की हड्डी, सब में कितना हड्डी होता है, 30, एक हाथ के बारे में पूछेगा ना, तो कितना हड्डी होता है, 30, वो कौन कौन सा होता है बताइए, तो बिना देखे सबसे पहले ऊपर में जो होता है इस तरीके से बड़ा सा हड्डी होता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फेलिंजेस। ह्यूमरस क्या है, एगो, रेडियस एगो, अल्ना एगो, कार्पल 8 गो, मेटा कार्पल 5 गो, फेलिंजेस 14 गो, देखिए पूरा 14, 1 15, 5 20, 20 8 28, 29 30, 30 गो हो गया ना कंप्लीट। वही देखिए वही बोन्स का नाम फिर से है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की पेशी यानी कार्डियक मसल्स हैं, हमने बताया था ना कार्डियक मसल्स क्या है, क्या वॉलंट्री होता है, नहीं भाई इनवॉलंट्री होता है, तो ये तो ऑप्शन पहले खत्म हो गया, अनैच्छिक, यस इन अनैच्छिक होता है, हृदय पेशियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंट्री है। तो क्या रेखित होता है, हाँ स्ट्राइप्ड भी होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनैच्छिक तथा रेखित होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, मानव में कोहनी की संधि यानी एल्बो ज्वाइंट होती है, वो कौन सी ज्वाइंट होती है, हमने बताया था ना ये गेट जैसे खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, तो ये कौन सी ज्वाइंट हो गई, नी ज्वाइंट बोले, घुटना का संधि या फिर एल्बो की संधि, कोहनी की संधि, वहां पे कौन सा ज्वाइंट होता है, कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट कहते हैं, हिंज ज्वाइंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ज्वाइंट्स के बारे में मैंने बता दिया है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एग्जाम्पल हो जाएगा, शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, नी ज्वाइंट घुटने का संधि और एल्बो ज्वाइंट, फेलिंजेस ज्वाइंट्स वगैरह जैसे फेलिंजेस उंगली में ऐसे ऐसे होता है ना, वो सब हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। पाइवोट यानी भोट, गला घोट के मार देंगे, गला में ज्वाइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस कहाँ, गला के पास पाया जाता है। ग्लीडिंग ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स बिटवीन कार्पल्स, जो आपस में कलाई की हड्डी आपस में जुड़े होते हैं वो कार्पल्स ग्लीडिंग ज्वाइंट के थ्रू जुड़े थे। सैडल ज्वाइंट कार्पल्स और थंब के बीच,
मेटाकार्पल ऑफ थंब और कार्पल के बीच जो होता है वो सैडल ज्वाइंट होता है, क्लियर। चलिए अब है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 206। कितनी हड्डियां होती है, 206। वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। मानव की पसलियां रिब्स किसकी सुरक्षा करती है, जो रिब्स है वो किसका सुरक्षा करता है आपका रिब्स, यहाँ पे है क्या क्या, हार्ट है, लंग्स है, अमाशय तो पेट नीचे है तो उसका सुरक्षा कैसे करेगा, तो हार्ट का भी करता है और लंग्स का भी करता है, अमाशय का तो नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। मानव में मुक्त पसलियों फ्लोटिंग रिब्स की संख्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स, अरे एक डायग्राम ही नहीं लिए, रिब्स कितना होता है टोटल याद है, 24 गो 12 पेयर, डायग्राम लेते तो और अच्छा समझ में आता है, 12 पेयर्स पाए जाते हैं, कितने पेयर, 12 पेयर्स पाए जाते हैं। तो शुरुआती जैसे ये बीच में स्टर्नम है, बीच में क्या है हमारा स्टर्नम है, इस तरीके से टी आकार का बोन होता है, तो ये स्टर्नम शुरुआती जो 7 गो हड्डी होता है, 7 पेयर जो रिब्स होता है, इस तरीके से रिब्स होता है ना, तो शुरुआती जो 1-7 पेयर है, 1-7 पेयर वो क्या होता है, ट्रू रिब्स होता है, क्या होता है, ट्रू रिब्स, सच्चा रिब्स है ये, जो कि एक्चुअली में आगे से स्टर्नम से जुड़ा होता है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, फिर आगे से जो 8वां से 12वां तक है वो क्या है, फॉल्स रिब्स है, फॉल्स रिब्स में जो लास्ट वाला 11वां और 12वां है उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग मतलब मुक्त पसलियां, जो कि सिर्फ इससे जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, वो आगे में इससे जुड़ा हुआ नहीं होता है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो कितना हुआ, 11वां और 12वां हुआ ना, तो दो जोड़ी हुआ, कितना, दो जोड़ी है, उसमें भी कौन कौन सा, 11th pair and 12th pair, ठीक है। हड्डियों में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, CaPO4, समझे, CaPO4 पाया जाता है, कैल्शियम में हड्डियों में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है, सबसे अधिक लवण जो पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। रेखित पेशीय तंतु यानी स्ट्राइप्ड मसल फाइबर में मुख्य प्रोटीन है, तो स्ट्राइप्ड मसल फाइबर में जो हमने बताया था सार्कोमियर के बारे में, उसमें बताया था ना जो मसल प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन होता है, जो कि एक्टिन होता है वो क्या होता है, ये जो लाइनिंग है वो प्रोटीन ही ना है, जो थिन फिलामेंट है, थिन है वो कौन सा है, एक्टिन है, एक्टिन कैसा है, ये भी तो प्रोटीन है ना, और ये जो ये थिक होता है वो मायोसिन है, एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है स्ट्राइप्ड में, जो स्केलेटल मसल होते हैं उसमें एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, प्रोटीन, क्या, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सार्कोमियर को दर्शाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मायोसिन एवं एक्टिन, कौन सी प्रमुख प्रोटीन है, मायोसिन एवं एक्टिन, एक्टिन। और अब बात करें सार्कोमियर की, तो सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच, देखिए स्केलेटल मसल जो होता है रेखीय मांसपेशियां का कार्यात्मक इकाई, जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर को कहते हैं, एक सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच के दूरी को कहते हैं, एक सार्कोमियर दो जेड लाइन का, जेड लाइन कहाँ होता है, आई बैंड, जो हल्का बैंड होता है, आई बैंड को हल्का बैंड, लाइट बैंड कहते हैं, ए बैंड को डार्क बैंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डार्क होता है, ये दोनों ओवरलैप है ना, इसलिए देखिए थोड़ा डार्क दिख रहा है ना बीच में, ये क्या हुआ, ए बैंड हुआ, जो डार्क बैंड होता है, आई बैंड लाइट बैंड होता है, इसको आइसोट्रोपिक कहते हैं, इसको एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो बनता कैसे है, तो देखिए एक पूरे आई बैंड के बीचों बीच में जो होता है उसको जेड लाइन कहते हैं, तो जेड लाइन आधा हो गया, और दो जेड लाइन के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं, तो सार्कोमियर बराबर कितना हो जाएगा, हाफ आई बैंड हुआ ना, आधे को हुआ ना, आधा तो उधर है आई बैंड प्लस पूरा ए बैंड, बीच में पूरा आ गया ना, ये प्लस इधर भी हाफ आई बैंड, तो वो हो गया हाफ आई बैंड, ये क्या हो गया, एक सार्कोमियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके के साथ सारा क्वेश्चन खत्म हुआ, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, इतना पढ़ लोगे भाई तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझे। मेहनत कहता ना, अपने किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, और कभी भी तुम कभी हार मत मानना, ठीक है, हार मान जाओगे खत्म खेल हो जाएगा, अभी समय है भाई, दम लगा दो, जी जान लगा दो, माँ बाप का 2 लाख रुपए बचा लोगे, 2-2.5 लाख रुपए, और अच्छा शिक्षा भी मिलेगा, गवर्नमेंट से पढ़ोगे, कहीं रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, तुरंत से लाइसेंस इशू हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये खास बात होता है गवर्नमेंट कॉलेज में फार्मेसी करने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।